और भगवान विष्णु के भक्त की विशेषता है उसको अनावश्यक अकारण क्रोध नहीं आता, और मैं तो कहूँ अनावश्यक और अकारण नहीं, सकारण भी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध का कारण होने पर भी क्रुद्ध ना हो, ईर्ष्या ना करे, लोभ ना करे, ये भगवान नारायण के परायण जो भक्त हैं उनमें ये बात नहीं आनी चाहिए। और यदि भक्त बनने वाले में ये दोष है तो समझ लेना अभी कच्चापन है, अभी परिपक्वता नहीं आई। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो ना शुभा मति ही। न क्रोध होगा, न लोभ होगा, और न मोह होगा, और न अशुभ मति होगी। भगवान विष्णु के भक्त में दुर्बलता नहीं रह जाएगी। नित्य स्मरणीय कुछ श्लोकों का उल्लेख है। नमो वशिष्ठाय महाव्रताय पराशरम वेद निधिम नमस्ये, नमोस्त्वनंताय महोरगाय, नमोस्तु सिद्धेभ्य इहाक्षयेभ्य, नमोस्तु ऋषिभ्य परमं परेशां, देवेषु देवं वरदं वराणां, सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय, सहस्रनामाय जनार्दनाय। वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम करते हुए अंत में भगवान जनार्दन को प्रणाम करते हैं। एकादश रुद्रों का स्मरण करते हैं, द्वादश आदित्यों का स्मरण करते हैं, अष्ट वसु अश्विनी कुमार धरणीधर धरती को धारण करने वाले सात हैं, धर्मः कामश्च कालश्च वसुर वासुकी रे वच, अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः, धरती को धारण करने वाले सात। और दिव्य मुनि हैं कितने, बोले चार, राम माने परशुराम, वेदव्यास जी महाराज, द्रोणी अश्वत्थामा और लोमस जी महाराज। इन चारों का स्मरण करने से भी दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। दिव्य सप्तर्षि हैं संवर्त मेरुसावर्णी मार्कंडे सांख्य योग नारद दुर्वासा, इन सबको भी प्रणाम करना चाहिए। अंत में भगवती माँ गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपने वर्ण और आश्रम के अधिकार की सीमा में यदि हम वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गायत्री के उस मंत्र की उपासना करने के अधिकारी हैं तो करना चाहिए, और यदि गायत्री मंत्र जपे बिना भी गायत्री की उपासना करना है तो संभव है। माँ गायत्री का ध्यान और श्रीमद् देवी भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो गायत्री ही है। सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यांच धीमही, ये जो श्लोक है ये भगवती माँ गायत्री का वो वैदिक मंत्र है और ये लौकिक मंत्र है, दोनों के जप का समान अर्थ है। जिनको यज्ञोपवीत संस्कार आदि नहीं हुआ, जिनको शास्त्र ये कहता है कि आपको वैदिक मंत्र का आलंबन नहीं लेना है, उनको भी फल से वंचित नहीं किया। वो सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यांच धीमही सा नो बुद्धि प्रचोदयात, ऐसा कुछ मंत्र है। तो इसमें भी 24 अक्षर हैं। इस मंत्र का अर्थात श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले मंत्र का यदि कोई जप करे तो उसको भी पूरा फल मिलेगा। जो व्यक्ति भगवती माँ गायत्री के प्रति समर्पित हो जाता है उसको राज भय नहीं रहता, पिशाचों से राक्षसों से भय नहीं रहता, अग्नि जल और वायु का भय नहीं रहता, सर्पों का भय नहीं रहता।